सो गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बात करना चाहता हूँ आपसे एक मिनट के लिए। बहुत सारे लोगों का क्वेश्चंस आते हैं मुझे कि हमें लैपटॉप की ज़रूरत है क्या, क्या हमें इंग्लिश आनी चाहिए, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ या नहीं हूँ, तो हमें पढ़ा लिखा होना चाहिए, इसके लिए क्या डिमांड है। तो मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि इसके लिए आपको सिर्फ़ फ़ोन चाहिए। जो ये ऑनलाइन अर्निंग का प्रोग्राम है ना, इसमें सिर्फ और सिर्फ आपके पास फ़ोन चाहिए। दूसरी चीज़ आपके पास चाहिए डेडिकेशन, सीखने की चाह, वो चाहिए बस। बाकी आपके पास, आप पढ़े लिखे हो नहीं हो फ़र्क नहीं पड़ता, आपको अंग्रेज़ी आती है नहीं आती फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो भी सिखाई जाएगी, समझ रहे हो। तो ये चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, आपको ज़रूरत है कि आपके पास एक फ़ोन हो और आपके पास एक डेडिकेशन हो सीखने का, कि हाँ मुझे कुछ सीखना है। ये अगर आपके पास है चाहना, तो आप कर सकते हो, कोई भी कर सकता है फिर। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो यहाँ पे। एंड जो नए लोग जो ये वीडियो देख रहे हैं, उनके लिए मैं बोलना चाहता हूँ, ये ऑनलाइन अर्निंग है, घर पे बैठ के फ़ोन से आप अर्निंग कर सकते हो, इंडिया में हो तो ही हो सकता है। तो आपको कोई इंटरेस्ट है इस चीज़ में तो आप मुझे मैसेज करिए ऑन दिस नंबर। एज मैटर नहीं करती है, 13-14 साल के बच्चे से लेके 50 साल तक का कोई भी कर सकता है, चाहे वो आदमी है, औरत है, बच्चा है, छोटा है, बूढ़ा है, कोई भी है, एवरी वन कैन डू दिस। सो गाइस मैसेज करिए, ये व्हाट्सएप नंबर है हमारा, और आपको सारी डिटेल्स में। गाइस, एक एथीस्ट इंसान, एक्स मुस्लिम, जफर हेरेटिक, ये हेरेटिक का मतलब क्या होता है डोंट नो, बट ये जफर है इनका नाम, एक्स मुस्लिम है ये भाई साहब, एंड 10 क्वेश्चंस पूछने वाले हैं ये टू मुस्लिम्स, ठीक है। हमें इस्लाम के बारे में काफ़ी हद तक पता है, एंड हम इस्लामिक वीडियोज़ पर डेली रिएक्शन देते हैं। हमें जानना है कि ये भाई साहब के जो क्वेश्चंस होंगे वो किस रिलेटेड होंगे। हाँ, मैं थोड़ा सा एक्साइटेड हूँ, मतलब भाई आण दो, मतलब ऐसा वाला हाँ, सीन है भाई, एकदम फुल ऑन टेंशन नहीं है अपने को, एक एक क्वेश्चन का जवाब देगा माई, वन ओकटी ओकटी क्वेश्चंस का आई विल गोना आंसर फॉर श्योर विद द लॉजिक, ठीक है जी। तो आप सब लोग अपनी कुर्सी की पेटियों को बांध लीजिए, हम यहाँ पे फ्लाइट उड़ने वाली है, बहुत जोर से उड़ने वाली है और डायरेक्ट अंतरिक्ष में जाके रुकने वाली है। तो पूरा ध्यान से देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा और अपने पॉइंट ऑफ व्यूज भी जरूर बताइएगा, ठीक है जी। तो लेट्स स्टार्ट दिस। जो इस्लाम की सच्चाई मुस्लिम लोगों तक पहुंचाकर उन्हें ह्यूमैनिस्ट और रैशनलिस्ट बनाने की कोशिश करता है। हमारा मकसद मुस्लिम लोगों के प्रति किसी तरह की नफरत फैलाना या उन्हें नीचे दिखाना नहीं है। ठीक है जी, थैंक यू सो मच, शुक्रिया आपका। अरे ये तो भूत है, जिन है ये तो, माय गॉड। ओके, देखते हैं भाई साहब क्या कहते हैं। जफर भाई, देखते हैं, नाम नहीं चेंज किया इन्होंने अपना, वो यूट्यूब पे अच्छा दिखता है ना वो नाम। आदाब मेरे अजीज दोस्तों, मैं हूँ जफर। आज की ये वीडियो स्पेशली मेरे उन चुनिंदा मुस्लिम भाइयों के लिए है जो कि एजुकेटेड हैं, मतलब आप इंजीनियर, साइंटिस्ट, डॉक्टर, टीचर, एडवोकेट, लॉयर, बिजनेस ओनर या गवर्नमेंट जॉब या प्राइवेट जॉब में काम करने वाले एक एजुकेटेड पर्सन हो सकते हैं, या आप कोई स्टूडेंट भी हो सकते हैं। अगर आप मुस्लिम नहीं हैं तो भी ये वीडियो आपके लिए हो सकती है, अगर इनमें से कोई लॉजिक आपके बिलीफ पर फिट बैठे। तो वीडियो को पूरा देखें और अपने ख्याल कमेंट सेक्शन में जरूर रखें। अरे डायरेक्ट बताएंगे अपन, हमारे ख्याल की जिंदगी दी है। आपको ये फर्क खुद भी महसूस होता ही होगा कि एक मजहबी अनएजुकेटेड इंसान और आप में भला क्या फर्क है। आपकी सोच शायद इस चीज से तो ऊपर उठ ही चुकी होगी कि ये जिंदगी केवल इम्तिहान की जगह नहीं है, जहाँ केवल कैसे भी वक्त काटकर आखिरकार ऊपर ही जाना है। अच्छा, तो कौन सी जगह है ये? आप वो समझदार शख्स हो जिसने एजुकेशन की इंपॉर्टेंस को समझा है। नहीं नहीं, हम नालायक तो समझते हैं, समझदार नहीं है, ऐसे वाले नहीं। अगर जिंदगी केवल खुदा की इबादत के लिए थी तो इसमें पढ़ने और समझने को इतना कुछ ना होता, जो शायद कोई अनएजुकेटेड ना समझ पाए। आपकी एजुकेशन आपको दलील देना सिखाती है। अब यहाँ एक बात ये आती है कि जो आपने पढ़ा क्या उसे अपनी जिंदगी में उतारने की कोशिश की? आज ऐसे ही 10 सवाल मैं आपको देता हूँ और आपको अपनी एजुकेटेड सोच को इन 10 मजहबी सवालों पर अप्लाई करके देखना है। जो कुछ मैंने बताया उसका एक एग्जाम्पल लेते हैं। एक मुस्लिम होने के नाते आप दुआओं की ताकत में तो यकीन रखते ही होंगे। एक रिसर्च के मुताबिक 4 में से 3 डॉक्टर्स भी मानते हैं कि खुदा उनके काम में अपना चमत्कार दिखा रहा होता है। ज्यादातर मुस्लिम्स का भी मानना होता है कि खुदा बीमारियां भी ठीक करता या जहर उतार देता है या जख्मों को भी भर देता है।
तो पहला सवाल यह है कि खुदा अपंगता को दुआओं से क्यों नहीं ठीक करता? अपंग हुआ पैर दुआओं से ठीक नहीं होते, चाहे आप कितनी भी कोशिश कर लो। जब खुदा आँख के ऑपरेशन ठीक होने वाले इंसान की मदद दुआओं से कर सकता है, तो यहाँ भी अपंग हुए इंसान की मदद उन्हीं दुआओं से कर सकता है। याद रहे कि बहुत से अच्छे लोगों के साथ भी ये प्रॉब्लम होती है, लेकिन आपका खुदा उसे ठीक करने का मोजज़ा नहीं दिखाता। एक एजुकेटेड समझदार शख्स होने के नाते आपको ये बात भी माननी ही चाहिए कि एक तरफ आपको लगता है कि दुआओं में बहुत ताकत होती है और खुदा इसमें करिश्मे करता है, दूसरी तरफ आप जानते हो कि जब खुदा से अपंगता को ठीक करने की दुआएं की जाती हैं तो वह उन्हें पूरी तरह इग्नोर करता है। चलिए थोड़ा सा अभी हम अपनी दलील पेश करेंगे। सबसे पहली बात कि जो ये अपंगता होती है या फिर अपनी बॉडी में कोई भी चीज़ की प्रॉब्लम आती है, उसकी उस वो चीज़ दुआ से ठीक होती है या नहीं ठीक होती, वो हम करते हैं। पहली बात तो ये, अल्लाह सबका मालिक है, सबका खालिक है, ठीक है। और अल्लाह को क्वेश्चन करने वाले हमारी कोई औकात नहीं है कि हम क्वेश्चन करेंगे कि अल्लाह आपने ये ठीक क्यों नहीं किया। हमारा काम है दुआ करना, और हमारी कोई ऐसी वो नहीं है हैसियत अल्लाह के सामने कि उनको क्वेश्चन करे। अल्लाह को कोई पूछ नहीं सकता है, अल्लाह चाहे तो कुछ भी करे, अल्लाह चाहे तो कुछ भी करे, हम कोई नहीं होते पूछने वाले। दूसरी बात, जो ये इल्मे गैप का जो ये सिलसिला था नबियों के साथ ख़त्म हो चुका है। इस भाई को बताओ ज़रा थोड़ा, इल्मे गैप का सिलसिला ख़त्म हो चुका है। इल्मे गैप क्या होता है, पर समझाता हूँ मैं। इल्मे गैप या तो मतलब कोई चमत्कार, कोई मौजज़ा, कोई दिल की बात जानना किसी की, किसी को जादू से ठीक करना, किसी को कुछ वो चीज़ करना जो नबी करते थे, जो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी के मौजज़े थे, या फिर उनसे पहले जो पैगंबर आए हैं दुनिया में उनके मौजज़े थे, हज़रत ईसा अलैहि सलाम के जो मौजज़े थे, अभी वैसे मौजज़े आफ्टर द लास्ट नबी विच इज़ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी के बाद जो होगा वो सारा आपके कर्म के ऊपर। आप जो कर्म कर रहे हो उसका आपको वो दुनिया में फल मिलेगा। एक एग्जांपल लेते हैं, अगर आप पढ़ाई करोगे, ठीक है, एग्ज़ाम की तैयारी करोगे, आप एग्ज़ाम दोगे, वहाँ पे जाके आप पास होगे। अभी आपने एग्ज़ाम देना है बट आप पढ़ाई करने की बजाय दुआ कर रहे हो, ए अल्लाह मेरे मालिक मेरे खालिक मुझे तू पास कर दे। कुछ होगा नहीं, कुछ होगा, लॉजिक है इसमें, हद है। ए भाई कहाँ से है भाई, कहाँ से, मेरा दिमाग खुलने वाला है, ये पहला क्वेश्चन है। अभी दूसरा अभी आता है हम। चलो नेक्स्ट देखते हैं भाई साहब का क्वेश्चन, कैसा लगा हमारा जवाब थोड़ा बताइएगा कमेंट सेक्शन में। लेट्स स्टार्ट। करने की दुआएं की जाती हैं तो वह उन्हें पूरी तरह इग्नोर करता है। एक समझदार शख्स होने के नाते आपको इसका जवाब चाहिए होता है, क्योंकि ये पूरी तरह से गलत बात है। इस तरह की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको खुद कुछ स्टोरी बनानी पड़ती है, आपको अपने खुदा की तरफ से कुछ बहाने बनाने पड़ते हैं ताकि जिंदगी की इस कड़वी सच्चाई को समझा जा सके। भाई बहुत अंधकार, जैसे कि हो सकता है कि आप ये कहें कि खुदा का अपंग लोगों के लिए कोई स्पेशल प्लान होगा, तो इस तरह से आप एक बहाना बनाते हैं जो भी हो, और उसके बाद इस पॉइंट पर सोचना ही बंद कर देते हैं, क्योंकि ये तकलीफ दे होता है। बहुत तकलीफ में छोरा यार। चलिए अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं। आ जाओ। एक मुस्लिम होने के नाते आप विश्वास करते हो कि खुदा आपका ध्यान रखता है और आपकी दुआएं भी सुनता है, तो दूसरा सवाल ये है कि दुनिया में इतने लोग भूख से क्यों मरते हैं? अगर आप न्यूज देखें तो पता चलता है कि हर रोज दुनिया में बहुत सारे मासूम बच्चे भी भूख से मरते हैं, जिनमें बिना कोई शक आपके मजहब से भी ताल्लुक रखने वालों की एक बड़ी तादाद होती है। अब आप सोचें कि खुदा आपकी सैलरी बढ़ाने की दुआ को क्यों सुनेगा, जबकि उसी वक्त वही खुदा उन छोटे मासूम बच्चों की दुआओं को इग्नोर कर रहा है। इसका कोई मतलब नहीं बनता। एक 70 माओ से ज्यादा चाहने वाला खुदा ऐसा क्यों करेगा? मैं बताता है ना क्यों करेगा।
आई एम हियर, रुको जरा, सबर करो। पहली बात तो ये कि सैलरी बढ़ाने की दुआ करना ही गलत बात है। कभी भी हमें पैसा बढ़ाने की दुआ नहीं करनी चाहिए, हमें दुआ करनी चाहिए अल्लाह हमें सही रास्ते पे चला, हमारा दिमाग जो है, जो तुम्हारा दिमाग है भाई साहब का, जैसे अभी थोड़ा सा अलग रास्ते पे चल रहा है, वो सही रास्ते पे चलाना चाहिए। कभी भी पैसा मांगने की दुआ मत करो। ये मैं एक मैं आपको ना थोड़ा सा एक अच्छी चीज़ बता रहा हूँ, पैसा मत मांगो यार, सेहत मांगो, ठीक है? और सेहत मांगो एज वेल एज़ हमें अल्लाह से सही रास्ता पे चलने की हिदायत मांगनी चाहिए, सिरातल मुस्तकीम, है ना, वो कि बंदा सही काम करे, अच्छे काम करे, लोगों की मदद करे जितना हो सके, है ना, और सही चीज़ें करे। और ये भाई साहब को मैं बताना चाहता हूँ कि जो लोग भूख से मरते हैं, बहुत सारे लोग मरते हैं, उसमें कोई डिनाई नहीं है, सच बात है, मरते बिल्कुल मरते हैं, क्यों नहीं मरते हैं, सच बात है ये, बट अल्लाह की मर्ज़ी है वो। फिर से मैं यही बोलूँगा कि जो है अल्लाह को तुम क्वेश्चन नहीं कर सकते हो भाई, ठीक है, कुछ नहीं क्वेश्चन कर सकते हो अल्लाह को, सीधी सी बात है। अभी वो लोग अगर भूख की वजह से मर रहे हैं, उसमें उनके लिए कुछ अच्छा है, उनके लिए सबसे बेस्ट है, उन्होंने कुछ देखा ही नहीं दुनिया में, डायरेक्टली वो जन्नती भाई, मतलब क्या टेंशन उनको लाइफ में। और हम देखो इधर, हमें पूरी ज़िंदगी में शैतान का मुकाबला करना है। अभी जैसे ये लोगों, ये भाई साहब को सुन के बहुत सारे लोग का दिमाग घूम गया होगा, या फिर बहुत सारे लोग सोचने में मजबूर हो गए होंगे, फिर शैतान भी उनको वरगला रहा होगा कि भाई ऐसा होता है, ऐसा होता है, ये सही बोल रहा है। तो ऐसे इन शैतानों को लड़ने के लिए हम लड़ना पड़ेगा, बट वो लोगों को तो टेंशन ही नहीं। एक जो मुस्लिम इंसान है वो क्यों जीता है, कि उसको जन्नत में जाना है, उसको सही काम करने हैं, सीधी सी बात है। हाँ, और जो ये भूख से मरने वाली बात है, तो अल्लाह ने मुस्लिम्स को क्यों बोला है ज़कात देने के लिए गरीबों को, यही चीज़ की वजह से बोला है कि जितने भी गरीब लोग हैं उनको खाना नसीब हो। तो जो एक देश है, सपोज एक कंट्री है, वो कंट्री में निज़ाम कौन चला रहा है, जैसे इमरान खान है, इमरान खान पाकिस्तान का एक क्या है, बादशाह है, बादशाह समझ लो, बादशाह है, वो बादशाह की जिम्मेदारी है वो गरीबों को खाना खिलाना। अगर वो गरीब मर रहा है, उसका जो वो है, क्या बोलते हैं उसको, इल्ज़ाम और उसका जो वो गुनाह है, वो बादशाह पे जाएगा, वो बादशाह की जिम्मेदारी है उसको खाना खिलाना। इसमें अल्लाह का क्या दोष है, इस्लाम का क्या यहाँ पे भाई, कुरान में लिखा हुआ है ये सारी चीज़ें। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु, भाई साहब पढ़ो जाके, मुस्लिम हेरिटेज, क्या नाम है भाई का, ज़फ़र हेरिटेज, हाँ। भाई पढ़ो जाके कुरान में, हद है भाई मेरे को। अभी ये तो दूसरा क्वेश्चन था, अभी और भी बहुत है, मुझे लगता है ज़्यादा टाइम लग जाएगा, आधा आधा करेंगे आज। इसे एक्सप्लेन करने के लिए हो सकता है आप किसी बहुत ही अजीब बहाने के साथ आएं। अरे नहीं, जैसे कि ये इन मासूमों का ये सब झेलना और मर जाना भी खुदा के प्लान का हिस्सा होगा। फिर उसके बाद आप इसे अपने दिमाग से फौरन निकाल देते हैं, क्योंकि ये आपके अच्छे खुदा के तसव्वुर में फिट नहीं बैठता। सवाल नंबर 3, खुदा अपनी किताब कुरान में इतनी नफरत करने को क्यों कहता है? अरे भाई, ये मजहब की बुनियाद पर लड़वाता है नफरत। जरा इन आयतों के मतलब देखें, क्या ये कोई मायने रखता है? 70 माओ जितना चाहने वाला खुदा तो नॉन मुस्लिम से भी उतनी ही मोहब्बत करना चाहिए जितनी ईमान वालों से, क्योंकि मजहब का रिश्ता तो पैदाइश से है। आप मुसलमान हैं क्योंकि आप मुस्लिम के घर पैदा हुए, हिंदू होते अगर किसी हिंदू के घर होते तो क्यों ये दूसरे घरों में पैदा करने वाला आपस में ही लड़ने को कहता है? यूं मजहब के नाम पर लड़ाइयां करने को कहना तो खुदाई फितरत नहीं लगती, बल्कि ये तो एक बेवकूफी नजर आती है। अरे ओ अंकल, थोड़ा सा वो, इसलिए आपको इसे एक्सप्लेन करने के लिए दलीलों की जरूरत पड़ती है। अगला सवाल, पहले इसके थर्ड क्वेश्चन का आंसर तो दे दूं, अगले सवाल पे जा रहे हैं। अच्छे से पढ़ तो सही भाई, पढ़ा तो सही। कौन से मजहब के, ओ भाई मारो मुझे, मारो इधर बैठ के मारो मुझे भाई साहब। अच्छा, अभी मैं ऑन अ सीरियस नोट, थोड़ा मस्ती में कर रहा हूँ मैं, थोड़ा मुझे ना, थोड़ा गुस्से को ना मैं मस्ती में कन्वर्ट करता हूँ, समझ रहे हो? इस वजह से मैं थोड़ा सा ऐसे कर रहा हूँ, तो माजरा चाहता हूँ अगर आपको बुरा लग रहा होगा इस चीज़ के लिए। मैं
जानबूझ के ये सब चीज़ें नहीं कर रहा हूँ, जैसे मैं बोल रहा हूँ वो मेरा एक तरीका है गुस्से को कवर करने का। हाँ जी, मैं थोड़ा सा मेरा खून खौलता है उस चीज़ों की वजह से, जो चीज़ें मैं सुन रहा हूँ अभी इस वजह से, तो मैं ज़्यादा कुछ गलत नहीं बोलना चाहता एंड मैं कभी बोलूँगा भी नहीं, एंड बोलना भी नहीं चाहिए किसी इंसान को, है ना। तरस खाना चाहिए हमें, है ना, कि भाई उस बंदे की मतलब क्या हो गया यार उसके साथ, है ना, समझ रहे हो। चलो कोई बात नहीं, थर्ड वाला क्वेश्चन क्या था इनका, कि कुरान में लड़ाइयाँ करना नफ़रत करना सिखाते हैं। तो मैं भाई साहब को बोलना चाहता हूँ, भाई साहब आप हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु को जानते हो? भाई साहब आप सलाउद्दीन अयूबी साहब को जानते हो? हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु को जानते हो? हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी को जानते हो? गैर मुस्लिम को हकूक़, उनके हकूक़, उनकी हिफाज़त, उनके घर की हिफाज़त, उनके सारी चीज़ों की हिफाज़त, उनको उनके मज़हब की प्रैक्टिस करना, सब कुछ की इजाज़त है, समझ रहे हो। गैर मुस्लिम की हिफाज़त, उनके घर की हिफाज़त, उनके माल की हिफाज़त, उनको उनके मज़हब के हिसाब से उनको प्रैक्टिस करने की इजाज़त है। तो जो आप ये बोल रहे हो ये गलत बोल रहे हो, थोड़ा सा हिस्ट्री पढ़ के आएँ, ठीक है जी। हज़रत सलाउद्दीन अयूबी साहब ने जब फ़तेह किया था फ़लस्तीन, है ना, मस्जिद अक्सा फ़तेह की थी अपना, इनसे क्या नाम है, बाइजेंटिनियों से, बाइजेंटिन, बाइजेंटिनी थे ना हाँ के सलेबी थे, चलो जो भी थे अंग्रेज़ थे, अंग्रेज, उनसे जब फ़तेह की थी क्रिश्चियन से, ऐसे बोल लो, चलो हाँ जब फ़तेह की थी, तो वहाँ पे जो आवाम थी, जो मासूम आवाम थी, तो सलाहुद्दीन अयूबी साहब को वो क्यों पसंद करती थी? क्योंकि सलाहुद्दीन अयूबी साहब ने सबको उनके हकूक अदा हकूक, किए, हाँ उनको उनके मज़हब के हिसाब से, उनके त्यौहार, उनके फेस्टिवल्स, उनकी ज़रूरतें, उनका ख्याल रखा, उनको सारी चीज़ों की बराबरी दी, उनको कभी कोई चीज़ की कमी नहीं आने दी। राइट, दैट्स द रीज़न मैन, इसको बोलते इस्लामिक बादशाह, समझ रहे हो। और उसके बाद अगर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु की भी बात करेंगे, जब उनके खिलाफत के दौर में जब फ़तेह हुए थे इतने सारे कंट्रीज़, और वहाँ पे जो दूसरे गैर मज़हबी लोग रहते थे, तो उनको भी वैसे ही हिफाजत दी गई, और वो हिफाजत की वजह से, उनके प्यार की वजह से उन लोगों ने इस्लाम कबूल किया, बोल क्या समझ रहे हो। भाई मैं कहाँ जाऊँ भाई ऐसे लोगों को लेके, मेरा दिमाग खुद उकता है। थोड़ा हिस्ट्री पढ़ाओ भाई साहब को, हिस्ट्री थोड़ा कमी है, थोड़ा सा, है ना। और अगर कोई इंसान मेरी बातों में गलतियाँ निकालेगा प्रूफ के साथ, तो मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया बोलूँगा, हाँ बिकॉज़ मैं चाहता हूँ कि जो जो मैंने बातें बोली हैं, अगर मैंने उसमें एक भी चीज़ रॉन्ग बोली है, तो आप मुझे उसमें करेक्ट करो, करेक्ट सो करो, दैट मैं भी सुधरूँ। मुझे सुधरना है, इम्प्रूव करना है, मैं कुछ नहीं हूं, जो कुरान में लिखा है वो सब कुछ है। तो लेट्स स्टार्ट दिस किताब में वीडियो इतनी आज। ज्यादा साइंस के खिलाफ चीजें क्यों भरी पड़ी हैं? आपके भाई पास डिग्री है, आप जानते हैं कि साइंस कैसे काम करते हैं। इसके खिलाफ आप डेली साइंस की बदौलत हमें मिली चीजों का इस्तेमाल करते हैं। बताओ, जैसे आपकी कार, आपका टीवी, आपका माइक्रोवेव, आपका कंप्यूटर या लैपटॉप, या आपका वो मोबाइल जिस पर अभी आप ये वीडियो देख रहे हैं, भूत आया ना, ये वो सब प्रोडक्ट्स हैं जो हमें साइंटिफिक प्रोसेस से मिले हैं। जी, और आप जानते हैं कि साइंस हमारी इकोनॉमी और जिंदगी के लिए कितनी जरूरी है, बहुत जरूरी है। लेकिन एक परेशानी है, आप एक एजुकेटेड पर्सन हैं और आपको अगर नहीं पता तो पता होना चाहिए कि कुरान में बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो साइंस के बिल्कुल खिलाफ हैं। जैसे 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 हाँ। अल्लाह ने दुनिया को 6 दिन में बनाया, हाँ। 7 आसमान और 7 जमीनों की मौजूदगी, अच्छा। दुनिया चपटी है, एक बैड की तरह है, सूरज कीचड़ में जाकर डूबता है, वक्त के साथ, जिसकी एक ऑथेंटिक हदीस को भी नकार दिया गया है। ए भाई अलग ही चल रहा है भाई। चांद एक लाइट है जिसमें जबरदस्ती रिफ्लेक्टर जोड़ दिया गया है। शूटिंग स्टार्स एक्चुअली में मिसाइल्स हैं शैतानों को मारने के लिए। इसके अलावा चांद के 2 टुकड़े करना भी एक नॉनसेंस से ज्यादा कुछ नहीं है। ये लिस्ट बहुत लंबी है और शायद फ्यूचर में किसी और वीडियो में कवर की जा सकती है। अब पॉइंट यह है कि इन अनसाइंटिफिक बातों को कुरान में होने का क्या मतलब है? क्या ये बातें कोई खुदा लिखेगा? फिर से इन्हें बचाने के लिए आपको बड़ी बेतुकी बातें करनी पड़ेंगी, बताएंगे हम, ऐसी ऐसी दलीलें देनी पड़ेंगी जिनका ना सर होगा
और ना पैर। अरे सब कुछ है, पैर हाथ सर हाथ आंखें मुंह। चक्कर लगा रहा है। कुरान का मतलब था जमीन के, लेकिन उसे बचाने वालों ने कह दिया कि सूरज अपनी गैलेक्सी के चक्कर लगा रहा है। जरा सोच कर देखें भाई कि जिस कुरान ने इतनी छोटी सी इंफॉर्मेशन हमें नहीं दी कि सूरज भी बाकी तारों की तरह एक तारा है, वो भला गैलेक्सी के चक्कर लगाने की इंफॉर्मेशन कैसे दे सकता है। सवाल नंबर 5, खुदा की किताब कुरान में गुलामी क्यों है और क्यों आखिरी नबी ने भी इसे बैन नहीं किया। कुरान की बहुत सारी आयतें हैं जो गुलामी को जायज ठहराती हैं और गुलाम औरतों के साथ बिना निकाह हमबिस्तरी करने को जायज कहती हैं। इस पर मेरी कई वीडियोज हैं और जल्दी ही एक पूरी सीरीज भी आएगी। इसके जवाब के लिए भी आपको इस्लामिक स्कॉलर्स की अजीब दलीलें मिलेंगी, लेकिन लोगों को एक जैसा पैदा करने वाला खुदा किसी को आज़ाद और किसी को गुलाम ठीक मानता है, ये कितना दुरुस्त है, ये आपको सोचना है। बोलते हैं सवाल 5 क्वेश्चन। जो चौथा क्वेश्चन था भाई साहब का कि साइंटिफिक फैक्ट्स के बारे में, तो पहली बात तो इन भाई साहब ने पूरी दलील अच्छे से करी नहीं है, तहकीक नहीं की है अच्छे से उस चीज़ के बारे में, उन्होंने समझा नहीं है। क्योंकि अगर इनको पता होगा, इनको पता होना चाहिए कि साइंस ने खुद माना है, इतने बड़े बड़े जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने भी माना है कि जो कुरान में 1400 साल पहले लिखा था उनको वो अभी दरियाफ्त हुआ है, अभी उनको वो पता चला है। चाहे वो चांद के बारे में हो, चाहे वो सूरज के बारे में हो, चाहे वो धरती के बारे में हो, चाहे वो गैलेक्सी के बारे में हो, चाहे वो बिग बैंग के बारे में हो, चाहे वो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं साइंस के मुतालिक, भाई साहब को पता नहीं है। भाई साहब गुमराह कर रहे हैं, समझ रहे हो आप, गुमराह भाई अलग ही तरीके से गुमराह कर रहे हैं, डायरेक्ट झूठ बोल के, फेस टू फेस झूठ, डायरेक्ट मुंह पे झूठ। भाई साहब अगर कोई इंसान जो इस्लाम में थोड़ा सा भी इंटरेस्टेड होगा और उसको बेचारे को पता ही नहीं होगा इस्लाम के बारे में, वो ये सब चीजें सुन के पीछे हट जाएगा, पता है, हट जाएगा पक्का। ये भाई पता है कितना बड़ा गुनाह कर रहे हैं, मेरे को तरस आता है, पता है इन पे मेरे को वो दिखता है कि भाई इनके साथ क्या होगा यार, तरस आता है यार मुझे सच में। कोई बात नहीं, क्या कर सकते हैं, सब अपने अपने अमाल के जिम्मेदार हैं। हम तो इनको समझा सकते हैं, अल्लाह इनको हिदायत दे, अल्लाह इनको अच्छे से रखे, इनको खुश रखें, और क्या है ना। अभी उसके बाद आती हैं गुलाम औरतों की बात। तो अरब के कल्चर में उस टाइम पे जब कुरान नाज़िर हुआ था, उससे पहले ये वहाँ पे निज़ाम था गुलाम औरतों का, ठीक है। तो वो चीज़ें उस टाइम पे थी ऑलरेडी, और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी ने ये चीज़ें साइड में की हैं, ख़त्म की हैं, ना ही ना कि उसको बढ़ाया है। अभी वो ऐसा तो नहीं है ना कि एकदम से आए और एकदम से ख़त्म कर देंगे, उन्होंने स्लोली स्लोली ख़त्म किया, हर एक चीज़ स्लोली स्लोली होगी। अभी मैं किसी को जाके बोलूँगा कि भाई एक काम कर, तू अपना मज़हब छोड़ दे बस, ख़त्म होगी बात, भाई करेगा वो नहीं करेगा, उसको समझाना पड़ेगा धीरे धीरे प्रोसेस, उसको सच चीज़ बतानी पड़ेगी, हर चीज़ अच्छे अच्छे से, सारी चीज़ें तहकीक से, दलाइल से, और स्लोली स्लोली बतानी पड़ेगी, तब जाके वो उस चीज़ को समझेगा, समझ रहे हो। तो ऐसी चीज़ें होती हैं, और ये भाई अलग ही चल रहा है। वो एक चीज़ जो उस टाइम पे होती थी, जो पहले से हो रही थी, वो चीज़ को पकड़ के बोल रहे हैं कि मैं सीरीज़ लेके आने वाला हूँ। तो सोचो, मतलब एक ऐसी चीज़ जो उस टाइम पे हो रही थी, वो चीज़ें जो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी ने नापसंद करार की हैं, और जो गुलाम औरतों को छोड़ने की, गुलाम आदमियों को छोड़ने की, सब चीज़ों की, उनको एक सही बराबर एक सबसे बड़ी मिसाल है भाई, हज़रत बिलाल, हज़रत बिलाल रज़िया तल्हानो। ए भाई मैं कुछ नहीं बोल सकता हूँ, बस आज इतना ही करेंगे, 5 क्वेश्चन, कल 5 बाकी के 5 का हम आंसर लेके आएंगे इंशाल्लाह ज़रूर। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर मेरी कोई भी बात आपको बुरी लगी है, कोई भी बात आपको सही नहीं लगी है, कोई भी बात से आप खफा हो, तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइए, इंशाल्लाह ज़रूर नेक्स्ट वीडियो में उसको मैं करेक्ट करूँगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर, सी यू।